नमस्ते दोस्तों। जीवन में एक ना एक बार हम सबके जहन में एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि भगवान क्या है। ये शब्द जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या है भगवान और है भी कि नहीं। बहुत मित्र ये प्रश्न अक्सर मुझसे भी पूछते रहते हैं कि क्या है भगवान। और यही प्रश्न विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा कि क्या परमात्मा है। सो मुझे लगा आज आपसे कुछ चंद बातें इसी पे बात करते हैं कि क्या है भगवान। पुराने ऋषि हमारे एनलाइटेंड बीइंग्स बहुत ही वाइज लोग रहे। इन्होंने हर शब्द के भीतर रहस्य छुपा दिए। तो भगवान का रहस्य भगवान शब्द के भीतर ही छुपा है। इस शब्द को खोलते हैं। भगवान के भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी जल। इस छोटे से शब्द भगवान में पूरे पंच महाभूत की व्याख्या कर दी उन्होंने। सो क्या है भगवान? ये पंच तत्व, ये पंच महाभूत जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी, वह है भगवान। तो क्या मैं भगवान नहीं हूँ? क्या आप भगवान नहीं हो? आप किससे बने? उन्हीं पंच तत्वों से आपका भी निर्माण हुआ, मेरा भी निर्माण हुआ। उन्हीं पंच तत्वों से इस जगत की हर चीज़ का निर्माण हुआ। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया या विद्वानों ने हमेशा कहा कि इस जगत में जो है वह भगवान है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हेयर इज गॉड। सो आशा करता हूँ, चाहता हूँ कि इस भगवान शब्द पे थोड़ा विचार करें, देखें कि कैसे पंच महाभूत, ये पांच तत्व पूरी सृष्टि का निर्माण निरंतर करते जा रहे हैं। शायद इसी वजह से पुराने हर कल्चर ने, हर ट्रेडिशन ने एक एक एलिमेंट, एक एक तत्व को पूजा, पूजनीय समझा। और आज भी स्पेशली हिंदुस्तान में हम नदियों की पूजा करते हैं, हम भूमि की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम इन पांच महाभूतों की पूजा करते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं। सो ये है भगवान। अब क्या भगवान है या नहीं, इसका निर्णय आप खुद कीजिए। अगर आपका कोई और प्रश्न इस पे आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। नमस्ते।